कराची के मसाइल हल करने के लिए विफाकी और सिंध हुकूमत मुत्तहिद, मुशावती कमेटी तश्कील दे दी। विफाक और सिंध हुकूमत के तीन तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी के चेयरमैन वजीर अला सिंध मुराद अली शाह होंगे। विफाक की जानिब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक, सूबाई वजरा नासिर शाह और सैयद गनी शामिल होंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि तमाम हुकूमतें मिलकर काम करेंगी तो मसाइल हल होंगे। कराची में नालों की सफाई और उन पर कायम तजावजात का खात्मा चैलेंज। शहर में 38 बड़े और 514 छोटे नाले। NDMA ने तीन बड़े नाले साफ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की भी मुतल्लिका इदारों को 3 माह की डेडलाइन। शहरी कहते हैं बल्दियाती इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। कराची की हालत इजाज़, सड़कें टूट फूट का शिकार। हालिया बारिशों से माड़ी रोड पर टूट फूट के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों और गुड ट्रांसपोर्टर्स को शदीद परेशानी का सामना। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, सरकारी रेट नजरअंदाज। 30 से 80 रुपए फी किलो इजाफी लिए जाने लगे। टमाटर 100, अदरक 550, घिया कद्दू 90, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो फरोख, लीमू 150 रुपए किलो हो गया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगी सब्जियां। पंजाब में चीनी का भी बहरान, हुकूमत सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर में चीनी का रेट 100 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद के बाजारों में भी चीनी की किल्लत। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस केस। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी की कल नैब में पेशी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड बेजाब्ती केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी भी तलब। लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद मोहसिन लतीफ, PTI के MPA गजनफर अब्बास छीना को भी बुलावा। दादू के इलाके काछू में नई गाज से आने वाला सैलाब रेला मंचर झील में दाखिल। जूही और काछू का दादू से जमीनी रास्ता ताहाल बंद। मुतासरा इलाकों में राशन और साफ पानी की अदम फराहमी। मुतासरीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का एक बार फिर पोल खुल गया। एक रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। एयरपोर्ट पर तैनात अमला और मुसाफिर महफूज रहे। DG सिविल एविएशन का 24 न्यूज की खबर पर नोटिस, इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। शहर इक्तदार के पार्क और तफरीही मकामात शहरियों के लिए खुल गए। दामने को, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, चिड़ियाघर और फैसल मस्जिद में लोगों का रश। कोरोना के बाइस तफरीही मकामात को बंद कर दिया गया था। गवादर में जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं यौम आजादी पर गवादर के अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 778वें उर्स का आगाज। कोरोना की वबा के बाइस जायरीन का दाखिला महदूद।